साल 2020 हम सबका कैसा जा रहा है, ये फिर से इस बार साबित हो गया है कि हमने अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक और जाने माने सितारे को खो दिया, मोहित बघेल, जिनकी डेथ इस शनिवार को हुई 23 मई को। मोहित काफ़ी लंबे अरसे से कैंसर की बीमारी से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अफसोस वह इस लड़ाई को नहीं जीत पाए। रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। साल 2011 में सलमान खान की मूवी रेडी से डेब्यू करके उन्होंने कई मूवीज में काम किया, जिसमें साल 2012 की मूवी गली गली चोर है, 2014 में जय हो 21 तोपों की सलामी, व्हेन ओबामा लव्स ओसामा, कैश है तो ऐश है, युवा एंड मिलान टॉकीज शामिल है। वहीं इसी साल वह नजर आने वाले थे ब्लॉकबस्टर मूवी बंटी और बबली के सीक्वल बंटी और बबली 2 में। मोहित उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे। उनका जन्म 7 जून 1993 को हुआ था। मोहित ने अपनी स्कूलिंग मथुरा के स्कूल से पूरी करी है, सेंट पॉल स्कूल, एंड अपनी ग्रेजुएशन मथुरा के ही एक लोकल कॉलेज से। उनको एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। उनकी फैमिली उनके लिए हमेशा से सपोर्टिव रही है, चाहे उनके फादर हो मिस्टर श्याम बघेल या उनके भाई हों पुनीत बघेल। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी के जाने माने शो छोटे मियाँ से करी थी साल 2008 में, जिसके बाद उन्होंने 2011 में मूवी रेडी के लिए ऑडिशन दिया, जिसके लिए वह शॉर्टलिस्टेड भी हुए करेक्टर अमर चौधरी का रोल प्ले करने के लिए, जिसके बाद वह स्क्रीन शेयर करते नजर आए लीड एक्टर सलमान खान एंड आसिन के साथ। वह 2004 में अवार्ड यूपी साइंस स्टार की खोज अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। अमूमन पता नहीं ये साल क्या क्या नज़ारे दिखाएगा। मोहित जैसे सितारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बार बार नजर नहीं आते, कई सालों बाद जाके कुछ में से ऐसे कोई कोई निकलते हैं। रेस्ट इन पीस सर।